दुनिया भर में हो रहे चुनावों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का असर गहरे तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों पर भी इसका असर देखा गया। इसी तरह बिहार राज्य में हुए विधानसभा चुनावों को भी सोशल मीडिया ने गहरे तौर पर प्रभावित किया। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार मंच की तरह काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों की कैंपेनिंग हो या टिकट के लिए होने वाली लॉबिंग, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होने वाली बूथ लेवल मीटिंग हो या बड़ी बड़ी LED स्क्रीन पर प्रदर्शित होती लाइव स्ट्रीमिंग, कुल मिलाकर चुनाव के प्रचार से लेकर नतीजे घोषित होने तक सोशल मीडिया चुनावी महाकुंभ की अहम कड़ी बनता जा रहा है। यहां तक कि आजकल सोशल मीडिया पर राजनीतिक रणनीतियां तक बनाई और परखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में यह देश में परंपरागत चुनावों की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन देश में इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप आदि पर नागरिकों के जीवन में कथित तौर पर घृणा फैलाने और सत्ता समर्थक शक्तियों से सांठ गांठ करके लोकतंत्र को कमजोर करने संबंधी आरोपों को लेकर बहस भी चल रही है और चिंता भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इनसे देश की सुरक्षा के सामने भी सवाल खड़ा होता है। इन चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में भारतीय लोकतंत्र की और पड़ताल करते हैं कि यह किस तरह लोकतंत्र पर असर डाल रहा है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सोशल मीडिया क्या है और भारतीय लोकतंत्र को इसका इस्तेमाल किन रूपों में दिखाई देता है। आसान शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया एक विशाल ऑनलाइन नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़े रखता है। इस ऑनलाइन नेटवर्क को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इन प्लेटफॉर्म में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन आदि वेबसाइट शामिल है। इन प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी जानकारियां, विचार आदि शेयर करते हैं। इस सोशल कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही सोशल मीडिया के नाम से बुलाया जाता है। इसे संचार का एक तेज गति वाला माध्यम माना जाता है, जिसके जरिए लोग विचार, फोटो, वीडियो, सूचना, डॉक्यूमेंट आदि को सार्वजनिक रूप से या अपने मित्रों से साझा कर सकते हैं। लोग आपस में चैट के जरिए बातचीत कर सकते हैं और वॉइस या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का फायदा यह है कि इसके जरिए एक ही क्लिक में सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। बीते कुछ सालों में चुनाव प्रचार के परंपरागत साधनों के अलावा अब यह देखने में आया है कि सोशल मीडिया भी चुनावों में अहम भूमिका निभाने लगा है। भारत में राजनीतिक दल सोशल मीडिया को प्रचार के प्रमुख साधन के रूप में अपना रहे हैं। शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपनी बात रखने और प्रतिद्वंदियों के आरोपों का जवाब देने के लिए ना कर रहा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से तो राजनीतिक दलों और राजनेताओं की सक्रियता स्पष्ट देखने को मिलती है। इधर पिछले कुछ समय से फेसबुक का एक फीचर फेसबुक लाइव चुनाव प्रचार का एक अहम जरिया बनकर उभरा है। जनसभाओं, रैलियों, नामांकन को बाकायदा लाइव प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दल और बड़े नेता अपने फैंस क्लब सोशल मीडिया में चला रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ ही विभिन्न विषयों पर अपनी बात लोगों के बीच रखने के लिए सभी बड़े राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया सेल बना रखे हैं। इनका काम समय समय पर उठने वाले विभिन्न विषयों पर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए कंटेंट, जो कि वीडियो या ऑडियो, तैयार करना होता है, जिसे सोशल मीडिया में पब्लिश किया जाता है। इस रूप में सोशल मीडिया ने लोकतंत्र और राजनीति पर गहरा असर डाला है। ऐसे में सवाल है कि सोशल मीडिया का चुनावों की लोकतांत्रिक धारा और देश की राजनीति पर किस तरह का असर देखा जा रहा है। आज यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि देश दुनिया में राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के साइकोग्राफिक्स को समझने और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हो चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लाखों करोड़ों लोग अब किसी को भी प्रचार के लिए परोसे जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। मसलन मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा फेसबुक खातों की जानकारी निकालकर उसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया था। तब ट्रंप चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ऐसे ही बात करें भारत की तो हमारे देश में 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में भी सोशल मीडिया का जादू देखा गया था। एक अनुमान के मुताबिक इन चुनावों में तकरीबन 40-50% सीटों पर सोशल मीडिया का काफी गहरा असर देखा गया था। ऐसे ही सोशल मीडिया बहुसंख्यक और दक्षिणपंथी राजनीति को मजबूत करने का इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर
जितने आपके फॉलोअर यानी अनुसरण करने वाले हैं उतनी ही आपकी साख है। यह एक तरह के व्यक्तित्व पंथ को बढ़ावा देता है। ऐसे ही जितने लोगों ने आपका संदेश लाइक शेयर या रीट्वीट किया उतनी ही आसानी से आपकी बात मान ली जाती है। इसका साफ मतलब एक बहुसंख्यकवादी संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। और किसी की सोच विपरीत या अलग किस्म की है तो ऐसे लोगों को ट्रोल करना या उनके अकाउंट्स ब्लॉक कराना या रिपोर्ट करना जैसे ऑप्शन अपनाए जाते हैं। चूंकि सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या विचार को बिना किसी जवाबदेही या विश्वसनीयता तय किए फैलाया जा सकता है, इसलिए वह बहुसंख्यक दक्षिणपंथी और अतिवादी ताकतों के लिए सबसे मुफीद, सस्ता और कारगर हथियार बनकर सामने आता है। यहाँ अक्सर तर्क और तथ्यों की बात नहीं की जाती, बल्कि डर और भावनात्मक बातों के जरिए लोगों को बरगलाया जाने का ट्रेंड ज्यादा दिखता है। ऐसे में विपक्षी विचार या आलोचना को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। लोकतंत्र के लिए इस तरह की सोच खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराओं को साथ में लेकर सहमति बनाना बहुत जरूरी होता है। और इस तरह का नेतृत्व और मार्गदर्शन एक प्रगतिशील सोच और उदारवादी प्रतिभा से आता है, न कि तकनीकी योग्यता से। एक अन्य पहलू है कि यह माना जाता है कि सोशल मीडिया कंपनियां बोलने की आजादी का लोकतंत्रीकरण कर रही हैं। लेकिन अगर सचमुच ऐसा है तो हमारे लोकतंत्र में वैचारिक असहमति के अवसर भी काफी बढ़ जाने चाहिए थे, क्योंकि असहमति लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। चुनी हुई सरकारों को सोशल मीडिया के सशक्त माध्यम से जनता की प्रशंसा और आलोचना दोनों को ही सर आंखों पर लेना चाहिए, जिससे शासन की कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। नेता एक तरफ तो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके समर्थकों की ट्रोल आर्मी हमलावर हो रही है, तो दूसरी तरफ वही नेता सोशल मीडिया पर एक तरफा उपदेश देते रहते हैं। इस तरह सोशल मीडिया वन वे संचार का मंच बन जा रहा है। फिर सोशल मीडिया के चलते भारतीय लोकतंत्र को रही फायदों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिहाज से किस तरह फायदेमंद साबित हो रही है। भारतीय लोकतंत्र के लिए सोशल मीडिया कई मायनों में फायदेमंद साबित हुआ है। इसका एक बड़ा फायदा सूचना का लोकतंत्रीकरण है। दरअसल सोशल मीडिया के चलते सूचनाएं चंद हाथों में सीमित ना होकर हर उस व्यक्ति तक पहुंच और वहां से प्रसारित हो रही है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के कारण दुनिया भर में सूचना को संरक्षित रखने और इसका प्रसार करने के पारंपरिक माध्यम चलन से लगभग बाहर हो गए हैं। इसलिए लोग अब सूचना के उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सूचना के निर्माता और प्रसारकर्ता भी बन गए हैं, जिसे लोकतंत्र के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। ऐसा ही एक बड़ा फायदा लोकतंत्र के सामाजिक समावेशन का है। असल में सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया ने ऐसे लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दिया है जिन्हें या तो अभी तक नहीं सुना जाता था, यानी सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है। इतिहास गवाह है कि लंबे समय तक भारत में कई समुदायों को सार्वजनिक प्रवचनों में भाग लेने, खुद को संगठित करने, अपनी सोच और विचारों को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं थी। उनकी चिंताओं, विचारों, अनुभवों, महत्वाकांक्षाओं और मांगों को तकरीबन अनसुना कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे लोग भी अब पूरी मुखरता से अपनी आवाज उठाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया लोकतंत्र के चौथे खंभे को मजबूत करने वाले उपाय के रूप में उभरा है। बीते कुछ सालों से मेनस्ट्रीम मीडिया देश में फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा फैलाने और जरूरी मुद्दों को दरकिनार करने जैसी गंभीर आलोचनाओं के घेरे में है। ऐसे में सोशल मीडिया से उभरे वैकल्पिक डिजिटल मीडिया को लोग काफी उम्मीदों से देख रहे हैं। अब कोई भी खबर किसी न्यूज चैनल या अखबार में जगह पाने की मोहताज नहीं रह गई है, बल्कि जिन मुद्दों को मेनस्ट्रीम मीडिया दरकिनार भी कर देता है तो उन्हें सोशल मीडिया के प्रेशर के चलते उठाना पड़ता है। लोकतंत्र के लिहाज से एक बड़ा फायदा सरकार के साथ सीधा संवाद का है। आज सोशल मीडिया ने आम लोगों को सरकार से सीधे बातचीत करने और सरकारी सेवाओं का फायदा उठाने का अधिकार दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में सोशल मीडिया केवल फायदे तक सीमित है। फायदे के अलावा इसने कई चुनौतियां भी पैदा की हैं। ऐसे में सवाल है कि सोशल मीडिया के चलते लोकतंत्र के सामने क्या कुछ चुनौतियां पैदा हुई हैं। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोकतंत्र के कामकाज में दोधारी तलवार साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक ओर तो सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को फायदा पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी ओर इसने कई चुनौतियां भी पेश की हैं जो अब सीधे हमारे लोकतंत्र और लोगों पर प्रभाव डाल रही हैं।
ऐसी ही एक बड़ी चुनौती द्वेषपूर्ण भाषण और अफवाहें यानी हेट स्पीच और र्यूमर्स है। पिछले कुछ समय से कई मामलों में हिंसा और जान माल नुकसान के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहें जिम्मेदार रहे हैं। इसके जरिए न केवल सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी गलत जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। इससे समाज में हिंसा को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही लोगों की सोच भी नियंत्रित होती है, जिनके चलते मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगे या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी वारदातें दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं को लोकतंत्र की सेहत के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। ऐसे ही एक बड़ी चुनौती फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों की है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 64% से ज्यादा भारतीय फेक न्यूज का सामना करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के सहारे प्रसारित एडिटेड इमेज, हेराफेरी वाले वीडियो और झूठे संदेशों की एक चौंका देने वाली तादाद मौजूद है, जिससे गलत सूचनाओं और विश्वसनीय तथ्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी फेक न्यूज राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह की झूठी खबरों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम भी मदद करता है। मसलन फेसबुक का मौजूदा एल्गोरिथम आपकी रुचियों, रुझानों और पसंद के हिसाब से काम करता है। आप अगर फेसबुक पर हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आप सिर्फ उन्हीं दोस्तों की पोस्ट देख पाते हैं जिनके विचार आपसे मिलते जुलते हैं, यानी जिनकी पोस्ट को आपने हाल में लाइक, कमेंट या शेयर किया हो। सोशल मीडिया साइट के लिए इस तरह से बांटने वाला एल्गोरिथम एक फायदे का सौदा है। आप जितने ज्यादा बटेंगे विभिन्न मसलों पर, उतने ही उत्तेजित होंगे और अपने आप को सही साबित करने के लिए उतना ही समय इन साइट्स पर लाइक, कमेंट या शेयर करते हुए बिताएंगे। और जितना समय आप इन साइट्स पर बिताएंगे उसी अनुपात में इन साइट्स को विज्ञापन मिलेंगे। यानी जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यह विशुद्ध बिजनेस का मसला है, तो वहीं एक देश, एक लोकतंत्र और एक साझी संस्कृति वाले देश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। इसी तरह सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग भी चुनौती बनती जा रही है। कई बार लोग अपनी से विपरीत विचारधारा वाले लोगों या उनके किसी विचार, काम, फोटो या किसी भी ऐसी एक्टिविटीज पर लोगों को ट्रोल करना और धमकाना शुरू कर देते हैं। ट्रोलिंग की इस बढ़ती रवायत ने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करने वाले गुमनाम ट्रोल्स को भी बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया के चलते लोगों के बीच वैचारिक अलगाव और तनाव नफरत की हद तक बढ़ गया लगता है। लोग अपने विचारों को लेकर अतिवाद की गिरफ्त में धंसते जा रहे हैं। यानी अब सोशल मीडिया चुनावों को प्रभावित करने वाला एक साधन भर नहीं रह गया है, बल्कि ये वो जमीन बन गया है जिसकी चोटियां और घाटियां हमारे रोजमर्रा के संवाद तय करती हैं और जिसके दुरुपयोग की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। यह सच है कि सोशल मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती दी है, लेकिन इसके बढ़ते दुरुपयोग से उपजी चिंता का समाधान किया जाना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए, ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज का प्रसार उभरते जोखिमों में से एक है। यकीनन यह देश की प्रगति की राह में रुकावट है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारी सरकार इसमें दखल कर इस पर लगाम लगाने की कोशिश करे। सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिए एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। इस संबंध में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कानूनी प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करते रहना भी जरूरी है। इससे आपत्तिजनक सामग्रियों को बिना देर किए हटाया जा सकेगा। साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और देश को डिजिटल साक्षर बनाए जाने की भी जरूरत है। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस विषय में देश के हर स्कूल और कॉलेज एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। इससे इतर सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसी एल्गोरिथम से बाज आने का दबाव बनाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर खुद का यह आकलन करने की जरूरत है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी फिल्टर बबल में तो नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि आखिर में यह तो हमें ही तय करना होगा कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने के चलते अपने से अलग विचारधारा रखने वाले दोस्तों से रिश्ता तोड़ देना है, या सामने वाले को सुनने, सवाल पूछने और जिम्मेदारी तय करने के शाश्वत भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखना है।